नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन है वो खत्म हो चुका है। हर टीम ने अपने अपने हिसाब से खिलाड़ियों को खरीद लिया है। अब ऐसे में खिलाड़ियों की स्क्वाड अब कैसी है, किस तरीके की स्क्वाड है, कहां कहां टीमों ने गलतियां की हैं, बात इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले चर्चा करता हूं केकेआर की, कि केकेआर की स्क्वाड कैसी है, कहां कहां केकेआर की स्क्वाड में जो है वो मिस्टेक है, कहां कहां केकेआर ने अपनी स्क्वाड में जो है वो कमी को पूरा नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं केकेआर की। केकेआर के पहले बल्लेबाज, ऑलराउंडर्स और गेंदबाज, तीनों की लिस्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात बल्लेबाजों की करते हैं। देखिए केकेआर में बल्लेबाज के तौर पर जेसन रॉय ऑलरेडी पहले से हैं, गुरबाज ऑलरेडी पहले से हैं, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर ये पहले से ही हैं, अंगरक्षक रघुवंशी ये खरीद लिया है केकेआर ने इस बार, केएस भरत को खरीद लिया है विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर, मनीष पांडे को खरीद लिया है अपने एक कह सकते हैं कि एक बड़ी चाल है गौतम गंभीर की मनीष पांडे को खरीदना, क्योंकि मनीष पांडे केकेआर के लकी खिलाड़ी हैं। हो सकता है कि प्लेइंग 11 में मौका मनीष पांडे को ना मिले, पूरे सीजन मनीष पांडे शायद बैठे हुए रहे, लेकिन मनीष पांडे केकेआर के लकी खिलाड़ी हैं, इसीलिए गौतम गंभीर ने मनीष पांडे पर दाव लगाया है, उनके बेस प्राइस पर मनीष पांडे को खरीद लिया। तो जाहिर तौर पर मनीष पांडे के लिए बड़े अच्छे संकेत है, ये केकेआर के लिए अच्छे संकेत है, क्योंकि मनीष पांडे वापस आ गए हैं। 2014 की जो टीम थी वो टीम में मनीष पांडे हुआ करते थे, तो ऐसे में मनीष पांडे के ऊपर बड़ा दाव लगाया गया है। उसके बाद में रदरफोर्ड को खरीदा है। रदरफोर्ड खतरनाक खिलाड़ी है, दुनिया जानती है किस अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, तो रदरफोर्ड को खरीदना भी केकेआर के लिए एक बड़ा दाव रहा है। ये बल्लेबाजी की पूरी लिस्ट है। अब बात अगर ऑलराउंडर्स की करें तो ऑलराउंडर्स में वेंकटेश अय्यर पहले से थे, आंद्रे रसल पहले से थे, अंकुर रॉय थे, नीतीश राणा थे, उसके बाद में सुनील नरेन पहले से थे, अभी आए हैं रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह के बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है। रमनदीप सिर्फ तूफानी खिलाड़ी हैं, शार्दुल ठाकुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको खरीदा गया है। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, बहुत तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, तेज गति के ऑलराउंडर हैं रमनदीप सिंह। तो वो भारतीय ऑलराउंडर के रिप्लेसमेंट के तौर पर, शार्दुल ठाकुर के रिप्लेसमेंट के तौर पर रमनदीप सिंह को खरीद लिया गया। हालांकि इनके पास वेंकटेश अय्यर ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, जो तेज गति के ऑलराउंडर हैं और प्लेइंग 11 में भी खेलने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर इनको भारतीय ऑलराउंडर की कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी रमनदीप सिंह ने क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके दिखाया था, तो यह खिलाड़ी कमाल का परफॉर्मर है और यह भी गंभीर का बड़ा दाव माना जा रहा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गेंदबाजों की, तो गेंदबाजी में वैभव अरोड़ा इनके पास पहले से थे, 2023 के सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया, वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन हाल ही में भी करके दिखा रहे हैं, हर्षित राणा ने बहुत प्रभावित किया है, दूसरा हार्दिक पांड्या उनको माना जाता है, तेज गति से रन बनाते हैं, गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी में बड़ा प्रभावित हर्षित राणा ने करके दिखाया है, बल्लेबाजी में आखिर में आकर अच्छे लंबे हिट लगाना जानते हैं, तो हर्षित राणा केकेआर के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आने वाले भविष्य के तौर पर। सुयश शर्मा ने 2023 में कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई, दिल जीत लिया इस लड़के ने, और हाल में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इस गेंदबाज का बेहतर प्रदर्शन रहा है। लेकिन अब जो खरीदे गए हैं उनमें चेतन सकारिया बहुत बेहतर फैसला मैं मानता हूं, बहुत कमाल का फैसला मैं मानता हूं चेतन सकारिया को लेना। लेफ्ट आर्म पेसर गौतम गंभीर को मिल गया और लेफ्ट आर्म पेसर की जरूरत भी थी केकेआर को, क्योंकि केकेआर के पास लेफ्ट आर्म पेसर बिल्कुल नहीं था। ऐसे में चेतन सकारिया और मिचेल स्टार्क ये दोनों जो है ये एक अलग ताकत प्रोवाइड कराएंगे केकेआर को। दोनों छोर से लेफ्ट आर्म पेसर अगर आएगा तो जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बड़ा अच्छा संकेत है कि उनके पास एक की बजाय दो दो लेफ्ट आर्म पेसर है और एक भारतीय है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप चाहें तो भारतीय लेफ्ट आर्म पेसर को खिला सकते हैं, आप वैभव अरोड़ा की जगह चेतन सकारिया को खिला सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा फैसला केकेआर का रह सकता है अगर केकेआर चाहे तो। उसके बाद में मुजीबुर रहमान बहुत बेहतर फैसला, मैं तो मानता हूं कि गौतम गंभीर का सबसे बेहतर फैसला अगर खिलाड़ियों को खरीदने में रहा तो वो मुजीबुर रहमान को खरीदने का रहा। मुजीबुर रहमान ने यार दिल जीत रखा है, जिस तरीके का गेंदबाज है, और देखिए गेंदबाज नहीं मैं तो बोलता हूं इसको ऑलराउंडर कहना चाहता हूं, क्योंकि गेंदबाजी के साथ साथ ये बल्लेबाजी भी निचले क्रम पर थोड़ी बहुत कर लेता है, तो मुजीब को लेना वास्तव में केकेआर के लिए आने वाले भविष्य के तौर पर बहुत बड़ा फैसला, और बहुत सस्ते दामों में ले लिया, कोई ज्यादा महंगे भी नहीं है। अगर केकेआर चाहे तो सुनील नरेन के रिप्लेसमेंट के तौर पर इनको खिला सकते हैं, सुनील नरेन अगर फेल होते हैं तो मुजीबुर रहमान को मौका दिया जा सकता है, यह बहुत अच्छा एक फैसला है और बड़े विकेट टेकर है सुनील नरेन से इस वक्त। अगर पिछले दो सालों के आंकड़े उठाकर देखो आप, सुनील नरेन और मुजीब दोनों के
तो मुजीब सुनील नरेन से बहुत ऊपर है विकेट चटकाने में। मुजीब का प्रदर्शन सुनील नरेन से पिछले दो सालों में बहुत बेहतर रहा है, तो इसीलिए मुजीब को लेना ये केकेआर के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है 2024 के सीजन में। उसके बाद में गुस अटिक्सन जो है वो बहुत कमाल के गेंदबाज है, हम सब जानते हैं 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट चटका सकते हैं, बहुत बड़े विकेट टेकर माने जाते हैं गुस अटिक्सन, तो जाहिर तौर पर ये भी एक बहुत अच्छा फैसला है केकेआर का। कि अगर मिचेल स्टार्क फेल रहते हैं और मिचेल स्टार्क नहीं चल पाते हैं तो अटिक्सन को खिलाया जा सकता है, बहुत अच्छे गेंदबाज है, विकेट टेकर है, रफ्तार उनके पास है, और ये केकेआर के अंदर कमी भी थी पिछले 2-3 सालों की। अगर मैं देखूं कि रफ्तार वाले गेंदबाज केकेआर के पास नहीं आ रहे थे, अच्छे गेंदबाज तो थे लेकिन रफ्तार वाले गेंदबाज केकेआर के पास नहीं थे, तो ऐसे में दो गेंदबाज आ गए हैं स्टार्क और अटिक्सन, ये दोनों अच्छे रफ्तार वाले गेंदबाज हैं, इन दोनों के पास अच्छी रफ्तार है, तो इन दोनों गेंदबाजों की तारीफ हो रही है। उसके बाद में शाकिब हुसैन, ये भी एक अच्छे गेंदबाज है, तो कुल मिलाकर केकेआर के खेमे में इस वक्त जो है वो एक संतुलित टीम नजर आ रही है, एक अच्छा ऑक्शन केकेआर का गया है, एक अच्छा मतलब खिलाड़ियों को केकेआर ने खरीदा, और खास तौर पर मैं तीन खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहता जो सबसे बेहतर गौतम गंभीर ने की है। एक तो रदरफोर्ड, नंबर एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा मानना है कि रदरफोर्ड को लेना बहुत फायदेमंद केकेआर को साबित हो सकता है। उसके बाद में चेतन सकारिया को लेना केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, और मुजीबुर रहमान, इन तीनों खिलाड़ियों को लेना केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि चेतन सकारिया भारतीय गेंदबाज है, भारतीय गेंदबाज को आप मौका दे सकते हो, इसीलिए आपकी प्लेइंग 11 में आप वैभव अरोड़ा की जगह चेतन सकारिया को अगर मैचेस खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में मुजीबुर रहमान, ये केकेआर के लिए बहुत बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, और रदरफोर्ड, ये तीनों खिलाड़ी मेरे हिसाब से गौतम गंभीर ने सबसे बेहतर खरीदे हैं। आपका इस केकेआर की स्क्वाड पर, जो स्क्वाड 2024 के लिए केकेआर की बनी है, इस स्क्वाड पर क्या कहना, और आपके हिसाब से कहां केकेआर की स्क्वाड में कमी आपको नजर आती है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन से खरीदे और सबसे खराब खिलाड़ी कौन सा खरीदा ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।